Today we are going to discuss diversity and magnitude of organic compound. As we know that up to now 180 elements have been discovered. Total जो element discovered हुए हैं, total elements that is 180. अभी organic compounds कितने हैं? Organic compounds वो हमारे साथ बनते हैं more than 10 millions. अभी अगर एक साइड पे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 118 है इसके कंपाउंड्स को मिला के और दूसरे साइड पे इसका मुआजिना कर ले ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद उन 118 एलिमेंट से ज्यादा है. सो द डायवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू यूनिक स्ट्रक्चर, और दूसरा है इसका कार्बन बॉन्डिंग, यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से और दूसरा कार्बन बॉन्डिंग की वजह से. सो द डायवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू पाइलिंग रीजन. बस हमारे साथ है पहला टेट्रावेलेंट नेचर. एज वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम. कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम. इट फॉर्म्स इट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन एट इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है. सो इट फॉर्म ए टेट्रावेलेंट बॉन्ड. द सेकंड वन इज मूडा बॉन्डिंग. मूडा बॉन्डिंग द कार्बन एटम फॉर्म. कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड भी यह बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी ये बनाता है. अगर हम देखें सो कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन टेट्रावेलेंट नेचर, सो ऑल द 4 बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड, या ये एक डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, या एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाता है, या एक कार्बन एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है. सो दिस इज द मूड ऑफ बॉन्डिंग. तीसरा हमारे साथ में द थर्ड वन रीजन इज कंटिन्यूएशन. सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम. जब ये सिंपल लिंकेज होता है इसका, तो इसको हम कहते हैं कैटिनेशन. तो ये स्ट्रेट चेन भी बनाता है या ये बनाता है ब्रांच चेन या ये बनाता है रिंग सर्कल बनाता है. तो ये एसाइक्लिक हालत में भी है और साइक्लिक हालत में भी है. अगर हम देखें हमारे साथ है ये लिंकेज बनाता है. सो दिस इज स्ट्रेट चेन. या अगर हम देखें तो कार्बन दिस इज ब्रांच चेन, या बाज़ौकात ये जो है रिंग हालत में ये जो है ये होता है परस्पर CH2 या CH2 ये. सो साइक्लिक फॉर्म में भी ये होता है. तो जब कार्बन सेल्फ लिंकेज एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहते हैं कैटिनेशन. सो दिस इज द थर्ड रीजन. द फोर्थ रीजन ऑफ इट्स डाइवर्सिटी इज कार्बन बॉन्डिंग with other elements. ये दूसरे एलिमेंट
एलिमेंट्स के साथ भी जो है ये बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इट्स हैविंग ग्रेट डाइवर्सिटी। सो अगर हम ले ले ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं प्यूरेन, या सल्फर के साथ बनाता है जिसको हम कहते हैं थायोपीन, या अगर हम ले लें पाइरिडीन, या हम ले लें जो है पायरोल। सो व्हेन कार्बन एटम लिंक विद अदर एटम ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो ये जो है कंपाउंड्स बनाता है। सो दिस इज अनदर रीजन ऑफ इट्स डाइवर्सिटी की इसकी कंपाउंड्स की तादाद ज्यादा है। द फिफ्थ वन इज आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, तो ये भी एक वजह है कि ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है ये ज्यादा है। अगर हम ले लें CH3OCH3 और दूसरे साइड पे हम ले लें CH3CH2OH, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बनता है वो बनता है C2H6O। नाउ ये दो हालत में मौजूद है, एक हमारे साथ है कीटोन एसीटोन और दूसरा हमारे साथ है इथाइल अल्कोहल। सो बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। या अगर हम ले लें CH3CH2CH2CH3, सो दिस इज एन ब्यूटेन और दूसरे साइड पे हम लेते हैं CH3CH CH3 और CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। सो ब्यूटेन हैविंग फार्मूला C4H10। अभी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादा वैरायटी, जो ज्यादा तादाद में मौजूद है, इसकी एक वजह आइसोमेरिज्म भी है। और चौथी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, इसकी स्ट्रेंथ, चूंकि कार्बन एटम का साइज छोटा है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक वजह है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से जो है ये ज्यादा वैरायटी में मौजूद है और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।